आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है, साथ ही वह सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें खूब परेशान किया जाता था। उन्होंने बताया, उन्हें केंद्रीय मंत्रियों का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया समन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली आकर केंद्र सरकार की टैक्स नीति का किया विरोध। उन्होंने टैक्स फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के ऊटी में लवडेल इलाके में निर्माण के दौरान हुआ भूस्खलन। हादसे में 6 मजदूरों की हुई मौत, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। एनसीपी के आंतरिक विवाद पर चुनाव आयोग ने भले ही अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन शरद पवार गुट इसे मानने को तैयार नहीं है। उनके गुट ने साफ किया है कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं अजीत पवार गुट ने कैविएट दाखिल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अवसरवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर जताई चिंता। उन्होंने कहा, विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ऐसे नेता भी हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी सपाट पर बंद हुए। बीएसई पर सेंसेक्स 17 अंकों की उछाल के साथ 72,203 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई पर निफ्टी 0.09% की बढ़ोतरी के साथ 21,950 पर क्लोज हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा इस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। जॉन अब्राहम की मास एक्शन फिल्म वेदा का हुआ ऐलान, सामने आया धांसू फर्स्ट लुक। फिल्म इस साल 12 जुलाई को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।